है तपस्या गायकवाड़ का घर, जहां तपस्या और उसके पूरे परिवार को बेरहमी से मार दिया गया था। अब यहां कौन रहता है? रहता नहीं, रहते थे। जब जिंदा थे तो रह रहे थे, अब मर गया तो? सर एक वॉचमैन रहता था, लेकिन वो भी छोड़ के चला गया। सर और कुछ? एन मौके में सब हकता है और तुम उत्ता है, चल भाग। बेवकूफ। तुम यहीं रुको। ओके सर। पुरानी कहावत है, कत्ल करने के बाद कातिल कत्ल की जगह पर एक बार जरूर लौट कर आता है। जैसे कि तू आया है, इसका मतलब तपस्या और उसके परिवार का कत्ल करने वाला वो कातिल या तो तू है या फिर तू उस गैंग में शामिल है जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। चल सच सच बता पूरी कहानी क्या है, क्योंकि अगर तू नहीं बोलेगा तो सच उगलवाना मुझे आता है, और अगर कहीं मैंने तेरे मुंह से सच उगलवा लिया और मुझे यह पता चला कि वो कातिल तू ही है, तो मेरी एक बात याद रखना,
मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि अगली बार एक कीड़े को भी अपने पैरों तले रौंदने से पहले तू 1000 बार सोचेगा। चल बैक। साहब, आपकी वो पुरानी कहावत भी सही है, और जो आपने मौके पे डायलॉग मारा है ना, वो भी सही है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मैं आपसे, वक्त जाया करने से अच्छा होगा कि आप तपस्या के परिवार के कातिल को ढूंढिए, क्योंकि ये जो आप अंधेरे में तीर घुमा रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। आपको जिस कातिल की तलाश है वो मैं नहीं हूं। ना ही तो ये कोई शॉपिंग मॉल है, और ना ही यहाँ कोई मिडनाइट सेल चल रहा है। तो तेरी यहाँ आने की वजह? इंस्पेक्टर साहब, प्यार करता था मैं तपस्या से, और वो भी मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी, यही वजह थी। तेरी ये वजह पहले भी 1760 बार सुन चुका हूं मैं। तेरे जैसे सड़क छाप आशिकों को अच्छी तरह जानता हूं मैं। पहले अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में पैसे वाली लड़कियों को फंसाते हैं, और फिर उनका ये हश्र करते हैं। पर तपस्या तो इतने बड़े बिजनेसमैन नरेंद्र गायकवाड़ की बेटी थी, और तू मुझसे कह रहा है कि वो तेरे जैसे दो कौड़ी के मैकेनिक से प्यार करती थी? साहब, पानी मिलेगा? नहीं। साहब, प्यार में अमीर गरीब कुछ नहीं होता। प्यार ऐसी कुत्ती चीज है ना, किसी को भी किसी से हो जाती है, जैसे तपस्या को मुझसे हुआ था। हम शादी भी करने वाले थे, तो आप भी मुझे बताइए मैं उसे क्यों मारूंगा? आपको लगता है मैं उसे मारूंगा? हाँ, मुझे लगता है, तेरी शक्ल पर दिखता है। वो क्या है ना साहब, शक्ल में तो बहुत कुछ लिखा रहता है, देखा होगा आपने, लेकिन फिर भी तपस्या मुझसे प्यार करती थी। चलिए, सारी बात हटाइए, साइड में रखिए। आप तो इंस्पेक्टर हैं, आप तो बड़े आदमी हैं, तो आप अपने आप को मेरी जगह रख के सोचिए, सच्चाई आपको खुद ना खुद नजर आ जाएगी। और आप ही बोलते थे ना, शक्ल बोलती है। सर गायकवाड़, आओ पटेल। कल मिलोगी ना? हाँ। बाय बाय, गुड नाइट।
कैसे आना हो? मैं अपना पैसा वापस लेने आया हूँ। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। 1-2 करोड़ होता ना तो मैं छोड़ देता, पर ये 150 करोड़ का है। तूने मेरे 125 करोड़ वापस किया है और 25 करोड़ ब्लॉक कर दिया, क्यों? देख सुधांशु, तेरा 65 करोड़ का मामला सचिन गुप्ता के यहाँ लटका पड़ा है, सब जानते हैं। सचिन मेरा बिजनेस पार्टनर, उसकी कंपनी में मेरा ही पैसा लगा है, तू उसका लौटा दे। तेरा जो मुझसे बनता है वो मैं तुझे दे देता हूँ। गायकवाड, ये मेरे और सचिन गुप्ता के बीच का डील है, तुझे बीच में नहीं आना चाहिए। ये जो बीच की डील की है ना तूने, इसमें फेस सचिन गुप्ता का है और पैसा मेरा लगा हुआ है। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? धंधा ऐसे ही किया जाता है, हर जगह बीच में आना जरूरी है क्या? गायकवाड़, तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है। देख, तेरे और मेरे बीच में जो मनमुटाव है ना, अभी इसी वक्त खत्म कर देते हैं। भलाई इसी में है। तुझे जो करना है तू कर, जिसके पास जाना है तू जा, लेकिन जिसके पास भी तू जाएगा ना, तुझे जवाब वही मिलेगा जो मैंने तुझे दिया है। देख, तू बहुत गलत कर रहा है मेरे साथ, दिस इज नॉट फेयर। ठीक है ठीक है, आइंदा ये धंधे की बात मेरे ऑफिस में आके करना, घर पे दोबारा मत आना। नरेंद्र गायकवाड, मेरा भी नाम सुधांशु पटेल है, मेरी भी कोई हैसियत है यहाँ पर। मैं तुझे देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चल निकल। ये इस वक्त कहां से आ रही है? कल ही समझाया था इसे। पापा आप आराम कीजिए, इसे मैं समझाता हूं। कहां से आ रही है भैया? मना किया था ना तुझे घर से बाहर जाने के लिए? एक बात सुन ले, आज के बाद बिना बताए अगर घर से निकली ना, ये तेरी टांगे है ना ये काट दूंगा मैं। चल निकल अपने कमरे में, चल निकल। जी भैया। पापा तेरा मामला तो एकदम सेट था। एक तरफ अपने 2 कौड़ी के गैराज में नट बोल्ट घुमाकर पैसे कमा रहा था और दूसरी तरफ नरेंद्र गायकवाड़ की बेटी को घुमा रहा था। फिर क्या हुआ यही जानना चाहता हूं मैं। तेरा मैटर फंसा कहां? साहब सब सही चल रहा था, हम यानी कि मैं और तपस्या बहुत खुश थे। वो जब भी मेरे पास आती थी हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती थी, बताती थी। वो नहीं होती एक छोटी सी बच्ची वैसे ही। मैं उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता था, उसके मासूम चेहरे को देखता रहता था।